का सतनाम करता सच जगा सच है भी सच नानक हो सत ओंकार सतनाम करता बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। हर कुछ टाइम बाद इस तरह तुसी हो जाना मैंने पता है, पर जिन्हां दी आदत हो जाती है ना वो फिर इस तरह लेंदे ने, क्योंकि रियाज लई ये जरूरी है, रियाज लई ये जरूरी है। तो ये रियाज गुरमत संगीत का, तो गुरमत संगीत का मंतव है परमेश्वर का मिलाप, उस वाहिगुरु नूं मिलना। तो वो जिहड़े नाम जपदे ने कदी इस तरह नहीं बैठते, तुसी कितने भी देख लो सारे इस तरह बैठणगे, ठीक है। एक कॉन्सैप्ट है, एक मंजिल प्राप्ति का रस्ता है, इस तो अलावा नहीं हो सकती। जिहड़े बंदगी करते हैं पुछ लो उन्होंने कि इस तरह गल बनती है, नहीं बनती इदा बनेगी। जिन्हें सुखमनी साहब च महाराज जी कहते हैं सावधान एकागर चित, पहले सावधान बहना यह होंगे एकागर, एक आगर एक दे अगे चीत चित लैके जाना, बड़ा भुलेखा है। सानू लगता असी बहुत अच्छा गा रहे हैं, पर इस तरह कुछ ना कुछ साडे च कमियां होंदियां ने। असी सानू कोई होर कवे सानू गुस्सा लगता, साडे मन की आदत है। जिहड़ा गुस्सा करता तरक्की नहीं कर सकता, पक्की गल है। जिहड़ा गुस्सा करता उहदे अंदर ईगो आ, तो गुरु नानक साहब दे घर च ईगो चलनी नहीं है ना। वाहिगुरु नूं हंकार नहीं चंगा लगता। तुसी किसी भी मुकाम पर पहुँच जाओ, तुहानूं निम्रता सब तो वड्डा गुण है। जे परमेश्वर ने तुहानूं वड्याई दित्ती है तो ये उहदी कृपा, जे अजे नहीं दित्ती तो उहदी कृपा नाल मिल जाणी है। इसे सिर्फ फेथ ते भरोसे दी लोड़ है, ठीक है जी। दूजी गल कि तुहानूं एक ना एक उस्ताद धारण करना जरूरी है। यानी कि मैं अपनी गल कर रहा हाँ, मेरे को बहुत स्टूडेंट्स ने, मैं गल कर रहा कि भी हाँ जिथे चाह उथे राह। जो थोड़े अंदर प्रेम की लगन बन गई ना, मैं कुछ बनना तो परमेश्वर ने चंगा उस्ताद दे देना। यूट्यूब तो सुन के मैंने बहुत बच्चे कहते हैं सर असं यूट्यूब तो सुन के कट के गा लिया, नहीं तुम गा लोगे किनिया मेरिया कि 250 रिकॉर्डिंग सुनिया वो, पर गलती मिसटेक कितने है वो यूट्यूब नहीं दसेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो है ना, हुण सुर ते तुसी एक हो यूट्यूब नहीं दसेगी। मान लो सुर घट गया, आ श्वास लै ली, यूट्यूब ने नहीं दसना। हल्का गा लिया उन्हें नहीं दसना कि तुसी किवें गाना है। तुहाडी फील, क्योंकि साउंड का जमाना है, फील आवाज़ दे विच रस होना जरूरी है, वो रियाज नाल आ जाता है, ठीक है। सारे समझ लगे ना, वॉइस फ्लैक्सीबल कितने किन्ना गायन करना, शब्द का रस ना तुसी अपनी गल भी कहनी है, तुहाडे गले च जो फ्लैक्सीबिलिटी लचक है तुसी उस कंपोजिशन च लैके भी आनी है, लैके भी आनी, पर शब्द का भाव नहीं मरना चाहिए। तबला सब कुछ बजाना है पर शब्द का भाव नहीं खत्म होना चाहिए। वो राग एक प्यारा सोहना बर्तन है, जिनी कीमती चीज़ है ना, घर के सोना कभी देखा कि वह मिट्टी के भांडे रखे हो,
देखिए कभी किन्ना सोहने डब्बे डब्बी होंगे सजा के रखना होंगे वह पैकेट किन्ना अच्छा होंगे। इस करके जी बाणी है रतन लाल जाकर कछू ना मोल उदा जो जिसे असी सजाना है वह पांडा राग है वह बहुत खूबसूरत होना चाहिए और रियाजी गले होना चाहिए तपस्वी गले वाला एवें नहीं। ये कभी ना सोचो कि महाराज में सब चंगा लगता है सुरच गाओ बेताला गाओ कई बार कई कह देंगे ने कि महाराज में सब प्रवान है का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। आप सारे दर्शकों का मुड़ एक बार बहुत बहुत स्वागत है जी विरसा चैनल पर जिथे तुसी अलग अलग प्रकार के वीडियोज देखते हो जी। सो इस समय साढ़े नाल मौजूद ने पंथ की एक महान शख्सियत जिन्हों आप लफ्जों के बयान नहीं कर सकते। मेरा सुभाग है कि मैं इन्हों खड़ा हाँ इतने प्रिंसीपल उस्ताद सुखवंत सिंह जी जवधि टकसाल वाले तो जिन्होंने हजारा ही नौजवानों राग विद्या देख के उन्होंने समझ लो ऐसा एक चैनल दिता है जो दुनिया के दुनिया भर के अज राग विद्या की महक पहुँचा रहे हैं।
भाई साहब जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक तो कश्मीर के आए तो सानू मौका बख्शे कि जो है इंटरव्यू ले सकी। तो अज तुम ये जो प्रोग्राम लिखे है ये बारे की जानकारी देना चाहते हो तो की संगतान गुरमत संगीत बारे दसना चाहते हो जी, खुल के दसो जी सारा जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, अज असी कश्मीर की धरती ते हैं, मेरे छोटे वीर, मेरे प्यारे शागिर्द भी भाई महेंद्रजीत सिंह जी, जिन्हों की सतगुरों की बड़ी कृपा है। ये लुधियाने मेरे को क्लास लगाते सन, नाल उत्थे स्टडी करते सन इंजीनियरिंग की। तो इन्हों के अंदर बड़ी लगन से कि गुरमत संगीत साढ़े कश्मीर, क्योंकि इस शहर के ने, तो जम्मू कश्मीर भी गुरमत संगीत की कोई अकैडमी नहीं हैगी। किसी तरह जे इतों के नौजवान बच्चे बच्चिया ने या इतों के जो संगत है उन्होंने गुरमत संगीत का जो ट्रडिशन है वह पता लगे। वो अंतर्गत अज सा क्लास से तकरीबन 1 बजे शुरू हुई। गुरु के प्यारे कीर्तनियों ने पहला कीर्तन सरवण कराया, तो फिर मैं तो हैरान हो गया कि इतों के नौजवान बच्चे बच्चिया के नाल रागी सिंगा में इतना उत्साह गुरमत संगीत सीखने प्रति। यह देखो मेरे नाल अजे बच्चे इतने गुरमत संगीत ने पुस्तक भी लै रहे हैं, इन्हों सारे ने इतना लाहा लिया। नाल मेरे बहुत तबले के महान गुणी जन भाई अनिक बार सिंह जी वह भी आए ने, तो तबले के विद्यार्थी तो कीर्तन के विद्यार्थी जिन्होंने गुरमत संगीत प्रति बड़ा उत्साह दिखाया, तो मन बड़ा खुश होया। तो मैं अपने छोटे वीर नूं बधाई भी दिना कि जिन्हों का यह उपराला है। तो मैनू ऐ लगता कि इन्ने सुरीले विद्यार्थी मिले ने, तो उन्होंने सानू दस्या कि वह यूट्यूब तो सुन के या कीर्तनियां तो सुन के वह शब्द कढ़ते हैं। रागों की नॉलेज नहीं सी, जो गुरमत संगीत का ट्रडिशन से वो बारे नहीं पता से। गुरबाणी कीर्तन के किन्ने प्यारे प्यारे राग, 31 मुख राग, प्रकार पड़तालां, त्रुबद ख्याल, लोक गायन शैलियाँ अज असी आदान प्रदान किया इन्होंने बच्चों नाल, तो वह सारे उत्साहित होए ने। तो असी क्योंकि बड़ा लंबा सफर हों, असी लुधियाने तो आना हों अमृतसर साहब तो, तो असी महीने च एक दिन तो प्रोमिस किया कि असी क्लास का इतने कराया करांगे। तो सारी इस चैनल के जरिए अपने छोटे वीर के जरिए मैं आप जी ने बेनती करता हाँ कि असी महीने च कोशिश करांगे कि एक क्लास बच्चों दी जाए फ्लाइट करके असी आके। तो ये बच्चे जो जिन्हें अंदर बड़ी चाहत है, बड़ी लगन है, यह नहीं कि घरद ने भेजे तो आ गए, आम तौर पर कई बार होंगे ना कि जाओ क्लास लाओ, नहीं, ये आप उत्साह ना पहुँचे ने तो सब मेरे तो भी प्रोमिस लै लिया कि सानू तुसी वध तो वध टाइम देना। जे जीवन रहा तो असं जिन्ना समा रहा असं इन्हां बच्चों लिए हाजिर हाँ। तो बच्चों का उत्साह देख के मन बहुत खुश होया। तो कश्मीर की संगत लिए बहुत बधाई। ये बड़ा पवित्र गुरुद्वारा स्थान जिते असी सारे अज बैठे हैं गुरमत संगीत की वर्कशॉप, ये सारी प्रबंधक कमेटी का, सारे वीर का, मेरे नाल नदर फाउंडेशन तो सरदार जसविंदर सिंह जी जो मुख सेवादार ने, यह सारी टीम आई है जिहड़े उत्साहित सानू किया है, उन्होंने भी बहुत धन्यवाद। सारे स्टूडेंट्स का धन्यवाद, सारी संगत का धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह की पार कृपा बख्शिश ही होंगी है, क्योंकि कीर्तन की दात जी है ये हर बंदे की झोली च नहीं पैंदी, पर ऐसे गुरमुख, ऐसे साधु जन, ऐसे संत जन जिन्होंने इस संसार के गुरमुख संगीत का उपराला जिहड़ा घर घर पहुँचाने का उपराला चुकया, वो इन्ना अकाल पुरख की आप कृपा बख्शदी है। उत्थे महाराज आप वरतदे ने, वो फिर दृष्टि है उन्होंने गुरमुखों की जो ये चीज़ा समझते हैं। तो भाई उस्ताद जी को मैं तंग नहीं कह सकता, क्योंकि उस्ताद जी ने ही सानू गुरमत वाले पासे तोरे, सिर्फ संगीत वाले पासे नहीं, जीवन गुरमत जाच, जीवन जी जाच वो स्टार्ट तो ही असी उस्ताद जी तो ही सीखी है। तो मैं कश्मीर की सारी संगत को ये विनय करांगा जिन्होंने गुरमत बारे जां अपने धर्म की जानकारी बारे चीज़ा नहीं पता जां सीखना चाहते हैं, वो जरूर इन अकैडमी च आन, क्योंकि तुहानू इन्नी इनफॉर्मेशन मिलेगी अपने मन की, अपने दरगाह जान के रस्ते की, अकाल पुरख के मिलाप की, यह सारा खेल चलेगा। तो आने वाले समय च अकाल पुरख महाराज आप वरत के यह सारा जिहड़ा सिस्टम है चलाएंगे। असी तो कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा ने ही करना है, तो गुरमुखा ने जे जो इतने आते हैं वो उन्हां दी बख्शिश है, क्योंकि अकाल पुरख नाल संपर्क ऐसे संतों का ही होंदा है, साडी कोई उहदे विच वो नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह आप ही रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप जी का, आप साहब का, कि जिन्होंने सानू समा बख्शिया है, न्याणियां नू समा बख्श के धन्यवाद जी जी, धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा प्रिंसीपल सुखवंत सिंह जी का, अदब सत्कार नाल, अते अपने मास्टर अनिक वार सिंह जी जो कि बहुत ही वधिया तबला वादक ने, इन्हां दोवां दा बहुत ही बहुत दिल दी गहराई तों धन्यवाद है कश्मीर की संगत वालों अते मेरे दास वालों, क्योंकि इन्ने दूरों चल के साडे लई इत्थे आए किसी बिना मतलब तों
सानू गुरबाणी नाल जुड़ने गुरबाणी के बारे दसने इन्हां लई बहुत बहुत धन्नवाद है दिल की गहराइयां तो अते बहुत ही सानू बहुत कुछ सीखने को मिले क्योंकि साडे कोल इत्थे कोई ऐसी सिखलाई नहीं सी सानू पूरी गुरमुख संगीत के बारे कुछ भी नहीं सी पता कीर्तन भावें इत्थे दे रागी करदे ने पर सानू सिखलाई उस तरह की नहीं है जो बारले दरबार साहब के रागियों को है ज पंजाब के बार रागियों को है सानू अज प्रिंसिपल साहब न मिलकर तबला उस्ताद अनक बार जी ने मिलकर बहुत कुछ पता चलिया उस बारे च कि गुरमत संगीत है कि गुरबाणी किमें पढ़नी है रागों के बारे और बहुत जानकारी मिले मैं फिर दिल तो गहराइया इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद अते श्रीनगर की संगत अते बड़गाड़ कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जिहड़ा इत्थे सारे कश्मीर की संगत है बहुत वधिया है क्योंकि जिहड़े ये उस्ताद ने मां उस्ताद ने ये ऐसे उस्ताद ने जिन्हां दे शागिर्द बनण लई पूरी दुनिया तरसदी है तो मेरे उस्ताद जी मैनूं एक तरह का फख्र महसूस हो रहा है कि उस्ताद अनिक वार सिंह जी जिन्हां तों मैं तबला सिख रहा वो साडे कोल आए इस धरती दे ते मैं सारे नूं कहूँगा कि वध तों वध उस्ताद जी कोल सिखण क्योंकि उस्ताद जी का लैवल बहुत वड्डा है साढ़े जिहड़े कश्मीर के लोग ने उन्हां कोल बहुत कुछ सीख सकदे ने ते उस्ताद जी कहण च मैनूं कोई हर्ज नहीं है कि हर एक कंट्री च लगभग उस्ताद जी हो चुके ने आस्ट्रेलिया अपना मलेशिया सिंगापुर कैनेडा मोस्टली हर एक कंट्री कीर्तन राज संगत निहाल कर चुके हैं तो उस्ताद सुखवंत सिंह जी उन्हों का तो मैं की कहा उन्होंने बारे क्योंकि वो तो इन्ने वे उस्ताद ने काफ़ी अकैडमिया ने उन्होंने तो सारे वो तो वही कहाँगा कि अज जिमें माहौल बनया बहुत वधिया माहौल बनया क्योंकि सारे ने सीखा तो मैं भी बहुत कुछ सीखा तो यही सारे विरसा चैनल के राही यही कहाँगा कि सारे आओ तो उस्ताद जी को लाभ धन्यवाद जी पंजाब दे विच नदर फाउंडेशन चला रहे हैं इत्थे महेंद्रप्रीत क्योंकि साढ़े को पढ़ के आया उत्तर जी एन लुधियाने तो बिल्कुल जी सो पिछले चार पाँच सालों तो इतने सेवावान जी चल रही ने असी बारामूला भी घर बनाए हैं तकरीबन चार पाँच घर इतने असं बनाए हैं तो पेशेंट्स लिए हेल्प कर रहे हैं जिमें जिमें कोई लोड़ महसूस होंगी है सो बच्चों कहने कि जो पढ़ने वाले बच्चे आ वो भी सानू जरूर तुसीं दसो तां कि उन्हां बच्चों आप जिहड़ा अगे लैके जाइए वो पढ़न जिहड़े वाकई नीडी बच्चे ने सो असीं चाहुंदे हां कि वो भी बच्चे साढ़े कोल आउण ते असीं उन्हां नूं दसीए कि कॉलेज तुहाडे लई बेस्ट ने ते किहड़ी स्कॉलरशिप तुहाडे लई बेस्ट है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जी आप जी का भी जिन्होंने समा कढ़ के कश्मीरी धरती से आए हो तो बहुत चंगा लग्या इत्थे आके सानू बड़े वधिया सारे सरदार फैमिलियां इत्थे ते अज मैं देखिया वर्कशॉप दे विच बड़ी डेडिकेशन नाल सारे बच्चों ने तकरीबन चार पाँच घंटे हो गए ने हुण बैठिया नूं ते तबला भी सीखिया साडे वीर अनिक कुमार सिंह उन्होंने क्लास लाई है तो सुखवंत वीर जी ने लाई है तो बड़े वधिया तरीके बच्चे बच्चिया ने इत्थे जिहड़ी आ वर्कशॉप अटेंड की है तो मैनूं आस आ भी हुण अगे तो भी क्लास लगती रहूगी क्योंकि अगे इह जिहा उपराला नहीं होया कितें हुण साडा तुहाडे तक है कि भाई इत्थे भी जिहड़ा है गुरमुख संगीत की जिहड़ी देण है उत्थे भी पहुँचाई जाए घर घर दे क्योंकि पहला वीर जी उन्होंने जम्मू क्लास शुरू की उदों भी असीं गए सी जनवरी दे विच सो उत्थे भी बहुत बच्चे जिहड़े सिख रहे ने हुण अज श्रीनगर दे विच स्टार्ट हो गई आ ये हुण बच्चों के अगर डिपेंड करता कि वो हुण कंटीन्यूटी बनी रहूगी तो ना क्लास भी जी कंटिन्यू ना लगता है उस्ताद जी आए सन जिहड़े तुहानू सारे नूं पता है प्रिंसिपल साहब ने ते इन्हां कोलों असीं बहुत कुछ सिखिया ये बहुत ही कला दे महारथी ने ते साडे कश्मीर दी संगत नूं चाहिदा हुण इन्हां कोलों कुछ सिखिया जाए ते अगे तो भी असीं उस्ताद जी कोल बेनती करदे हां कि उस्ताद जी अगे आ के सानू सिखाण ताकि सानू पता ही है सारयां नूं कि सानू इत्थे सिखाण वाला कोई नहीं हैगा ते असीं उस्ताद जी कोलों ही सीख सकदे हां जो कुछ सीख सकदे हां इस करके असीं उस्ताद जी कोलों बेनती करदे ते होर संगत नूं भी ते होर बच्चां नूं भी कहिंदे कि आओ ते क्लासां तुसीं जॉइन करो ते कुछ सिखो क्योंकि तुहानू पता ही है साडी कीर्तियां दी कमी है इस इत्थे ते इह चीज़ तुसीं उम्मीद है कि आप तां इह जो जानकारी रखी है इस नूं आप इस उपराले का लाह प्राप्त करके ज़्यादा तो ज़्यादा अपने बच्चों खासकर आप तो गुरमत की जिहड़ी राग विद्या हैगी है गुरमुख संगीत की जो कला हैगी है उन्होंने अपने घर तक लेके जाओगे दास प्रभजोत सिंह आप जी धन्यवाद करता है जी आप जी सानू फेसबुक से साडा पेज लाइक कर सकते हो विरसा चैनल यूट्यूब पर सबसक्राइब कर सकते हो इंस्टा फॉलो करके साडी हर गतिविधि तक आप जी तक पहुँच सकती है जी धन्यवाद वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह Oh,